तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जो कि हेलो नारा एस। आज हम फिर से आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले पावर ब्रिक्स के बारे में। तो पावर ब्रिक्स कैसे इंस्टॉल किया जाता है और ये किस काम आती है और इनमें प्रॉब्लम्स क्या आती है और उनका सोल्यूशन क्या होता है और ये कैसे काम करती है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको मेरा ज्ञान लेना हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि पावर ब्रिक्स कैसे इंस्टॉल किया जाए, इस पर एक वीडियो बनाओ, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि उनका पावर ब्रिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं या फिर ये पावर ब्रिक्स यूजुअली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर आपका साइकिल थोड़ा ओल्ड हो जाता है तो उस पर एक वीडियो बनाओ कि कैसे इसका सोल्यूशन किया जाए। तो इसीलिए मैं ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। तो पावर ब्रिक्स क्या है, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि पावर ब्रिक्स कुछ ऐसे दिखते हैं, मतलब नॉर्मल जो ब्रेक्स होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। नॉर्मल ब्रेक्स में जो मेन स्क्रू आपको देखने के लिए मिलता है जो बीच में होता है वो आपके फ्रेम में जो होल बना हुआ होता है उसमें जाके घुसता है, तभी आप अपने ब्रेक्स को लगा पाते हो। पर पावर ब्रिक्स के साथ ऐसा नहीं है। पावर ब्रिक्स में दो अलग अलग माउंट्स दिए जाते हैं या फिर चाहिए होता है पावर ब्रिक्स लगाने के लिए दोनों तरफ। तो इसी के साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी साइकिल है तो कोई भी साइकिल में आप पावर ब्रिक्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन साइकिल्स में पावर ब्रिक्स इंस्टॉल कर सकते हो जिनमें ये माउंट दिया हुआ होता है। यहाँ पे एक माउंट होता है और तीन होल्स दिए जाते हैं दोनों तरफ ही, जिसकी मदद से आप अपने पावर ब्रिक्स को अपने साइकिल पे लगा सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है, इसके बिना आप अपने पावर ब्रिक्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आप नॉर्मल साइकिल्स में और इंडियन साइकिल्स में ऐसे ब्रेक्स इंस्टॉल नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हीं साइकिल्स में ये ब्रेक्स इंस्टॉल किया जा सकता है जिनमें ये माउंट्स लगे हुए हो। पर डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल ब्रेक्स में भी पावर ब्रेक्स वाले ब्रेक शूज लगा सकते हो ताकि आपका ब्रेकिंग जो है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। इसके ऊपर एक हैक वीडियो मैंने बनाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स पे कि इसमें क्या क्या आते हैं या फिर ये ब्रेक्स सेट में पूरा क्या क्या रहता है और कौन से टूल्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दोनों ब्रेक्स मिल जाती है, मतलब ये दो पार्ट्स में आती है बाय द वे, और इसमें एक ऐसा बेंड टाइप का एक वायर दिया जाता है जो कि आपके ब्रेक वायर्स के एंड में घुसता है, उसके बाद अपने ब्रेक्स पे घुसता है। और यहाँ पे दो ब्रेक शूज रहते हैं और ये स्क्रूज रहते हैं। तो यही कुछ कंपोनेंट्स है यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ इसमें मिलता नहीं, यही पूरा ब्रेक सेट है। और आपको यहाँ पे टूल्स जो है वो यहाँ पे चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर जो कि लास्ट में एडजस्टमेंट में लगेगा, और एक 10-11 का रेंज और एक 5mm का जो एलैंकी होता है वो आपको चाहिए। आपका डिफरेंट भी हो सकता है अगर आप कोई और कंपनी का जो ब्रेक सेट है वो यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे यही कुछ कंपोनेंट्स है और यही कुछ टूल्स लगते हैं, यही तीन टूल लगते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इसके इंस्टॉलेशन पे, देन मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है और उसके बाद आप अपने तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेक्स लेने हैं और जो एक्सटेंडर्स रहते हैं हमारे फ्रेम्स पे उस पे आपको अपने ब्रेक्स को माउंट कर देना है, और जो छोटा सा रॉड दिया जाता है हमारे ब्रेक्स के नीचे उसको आपको तीन होल्स में से सबसे पहले होल में डाल देना है। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा जब हम इसके एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। के बाद आपको इसका स्क्रू टाइट कर देना है, और ऐसे ही आपको उस तरफ पे भी सेम ही प्रोसीजर करना है, लेफ्ट और राइट पे आपको सेम ही तरीके से इन दोनों ब्रेक्स को लगा देना है। और इसके बाद आते हैं वायर्स पे। तो वायर्स जो है वो दो पार्ट्स में दिए जाते हैं, आपको दिखता नहीं है पर ये दो पार्ट्स में होते हैं। एक होता है इसका ब्लैक पार्ट जो ऊपर रहता है और एक होता है इसका इनर पार्ट जो मेन वायर होता है। तो उसको आप अलग कर लो, सामने का बॉटम रहता है उसको अगर आप उसको खींचोगे तो वो अलग हो जाएगा, आसानी से निकल के बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना ब्लैक वाला जो पार्ट है वो हर एक माउंट्स में से जो साइकिल में माउंट दिया जाता है वायर्स को होल्ड करने के लिए उसमें से आप उसको इंस्टॉल कर लो। उसके बाद अगर आप उस एल्युमिनियम पार्ट वाले मतलब जो वायर होता है उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। और इसके बाद आपको एक बेंट पार्ट मिलता है जो कि मैंने दिखाया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा एक बेंट पार्ट मिलता है आपके ब्रेक्स के सेट के साथ। इसको आपको अपने वायर्स के एंड में ऐसे घुसा देना है, और जो रबर पार्ट है उसके बाद आपको इस पे इंस्टॉल कर देना है। और उसको आपको कुछ ऐसे जो लेफ्ट साइड वाला ब्रेक होता है आपका उसमें कुछ ऐसे आपको इंस्टॉल कर देना है जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले आपको रबर को थोड़ा सा हटाना होता है, उसके बाद उसको लगा के फिर से आपको रबर को लगा देना होता है ताकि वो फिक्स हो जाए एक जगह पे। और उसके बाद आप अपने ब्रेक शूज को इंस्टॉल कर लीजिए अपने ब्रेक्स पे, और ऐसा करने से आपको आसानी हो जाएगी। जब आप अपने ब्रेक वायर्स को कनेक्ट करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। शूज को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिर्फ इसका जो मेन नट है उसको खोलना होता है। इसमें शायद चार
वॉशर्स दिए जाते हैं मोटे मोटे, तो उसमें आप दो वॉशर्स इस तरफ रखो और दो वॉशर्स उस तरफ रखो, तो ऐसे ही आपको इंस्टॉल कर देना है। और लास्ट में या तो एलंकी चाहिए होता है या फिर आप 10-11 रेंज भी यूज कर सकते हो, उससे आपको इसका जो फाइनल नट होता है उसको टाइट कर देना है। तो इसके बाद आते हैं ब्रेक्स के कनेक्शन पे। तो सबसे पहले आपको हमारे वायर्स का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको अपने लीवर्स से आपको हुक कर देना है, ऐसे जैसे कि मैंने दिखाया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक स्पेस होता है, उसके बीच में से आपको वायर को घुसाना पड़ता है, तो ऐसे ही आप उसको लगा सकते हो। और उसके बाद आप देखोगे कि लीवर्स से वायर्स तक थोड़ा सा गैप होता है, उसको भी आपको फुलफिल कर देना है ताकि कोई भी गैप बीच में ना रह जाए। और उसके बाद आते हैं मेन कनेक्शन पे, जो कि हमारा वायर्स जो है जब हमारे ब्रेक्स में जाके लगेगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि राइट साइड में एक मेन नट और स्क्रू दिया जाता है, जिसमें जो स्क्रू होता है उसमें एक छोटा सा होल रहता है, तो उसी होल में से आपको अपना वायर जो है उसको अंदर घुसाना पड़ेगा। और आपको अपने ब्रेक्स को होल्ड करके रखना होगा दोनों तरफ से, और यहाँ पे आपको एक हाथ से अपने वायर को पूरा खींचना होगा और दोनों ब्रेक्स को एक जगह पे रखना होगा ताकि आपको डिस्टेंस पता चल सके रिम्स से आपके ब्रेक शूज तक की कितना डिस्टेंस हो रहा है बीच में, मतलब कितना जो गैप है वो एकदम मिनिमल होना चाहिए ताकि आपका ब्रेक जो है वो अच्छे से वर्क कर पाए। उसके बाद जब आप देखोगे कि आपका जो वायर है वो पूरा एकदम टाइट हो चुका है या फिर आपका जो गैप है वो भी एकदम परफेक्ट है, उसके बाद आप जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है जैसे जैसे मैंने किया है, अगर आप वैसा वैसा करते जाओगे तो आपका भी इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपने मेन नट को टाइट कर दीजिए। और हाँ, टाइट करते हुए एक बात ध्यान रखना कि ज्यादा अगर आप टाइट करोगे तो आपका जो वायर है वो डैमेज हो सकता है, मतलब अगर आप फिर से कभी भी अनइंस्टॉल करना चाहो अपने वायर्स तो उसमें अगर डैमेज रह जाएगा तो आप फिर से अपने वायर्स को यूज नहीं कर सकते, या फिर बाद में जाके अगर उसमें पानी चला जाता है तो उसमें रस्ट भी हो सकता है और जो वायर है वो बेंड होके एकदम टूट भी जा सकता है, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो इसी के साथ हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है जैसा कि आपने देखा। तो इसके बाद आ जाते हैं प्रॉब्लम्स पे कि जो ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस करते हैं जब जिनके पास पावर ब्रेक्स रहते हैं, मतलब बहुत ही जब वक्त हो जाता है 2 या 3 साल हो जाता है तो उनमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, या फिर किसी किसी के तो नई साइकिल में भी प्रॉब्लम आती है पावर ब्रेक्स पे। तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो या फिर एडजस्ट कर सकते हो, तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जो कि है आपका ब्रेक जो है वो बहुत ज्यादा लूज फील होता है। तो सबसे पहले तो हमारा जो लीवर्स है जब आप उसको खींचते हो मतलब वो पूरा एकदम पास आ जाता है आपके फिंगर्स पे, पर फिर भी आपका ब्रेक जो है वो बहुत ही ज्यादा लेट लगता है या फिर बहुत ही कम लगता है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को आती है। या फिर एक और प्रॉब्लम आती है जो कि है इसको एडजस्ट किया नहीं जा सकता, वो मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो एडजस्टमेंट पे अभी चले आते हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ देख लेना होगा कि आपके ब्रेक्स के अलावा कुछ और में प्रॉब्लम्स है या नहीं। और मैं एक बात बताना भूल गया कि हमारा जो पावर ब्रेक्स है उसका जो रियर वाला पोर्शन है, मतलब रियर वाला जो ब्रेक है वो राइट साइड में होता है और जो फ्रंट वाला ब्रेक है वो लेफ्ट साइड में होता है, मतलब नॉर्मल ब्रेक से पूरा उल्टा होता है। तो अगर कोई भी आपको बोले कि आपका जो रियर वाला ब्रेक है आपने गलत लगाया है या फिर दोनों ब्रेक्स गलत लगाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको क्रॉसली कनेक्टेड करना चाहिए अपना ब्रेक्स, मतलब अगर आपका कनेक्टर जो है वो राइट साइड में है तो आपको लेफ्ट साइड में आपका जो लीवर है उसमें लगाना चाहिए, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले ऑब्जर्व करना होगा कि आपका ब्रेक्स क्या टाइट है या फिर क्या लूज है, मतलब लूज जो कि मैंने बताया कि लूज कहाँ से हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा लूज है आपको फील नहीं हो रहा है जब आप लीवर्स को खींचते हो। और एक और हो सकता है कि जॉइंट्स जो है उसमें रस्ट आ गया है या फिर बहुत ही ज्यादा टाइट फील हो रहा है वहां से, तो मतलब आपका ब्रेक जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके बाद आपको चेक करना है कि आपका ब्रेक का जो वायर्स है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि ब्रेक वायर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि सामने से जो बॉटम होता है मतलब जो लीवर्स में जाके लगता है वहां से कभी कभी ब्रेक के वायर जो है वो लूजन होते लगते हैं या फिर वो कभी कभी टूट भी जाते हैं रस्ट होते हुए या फिर बहुत बार यूज होते हुए या फिर बीच में से वो कहीं पे फंस रहा है, तो इसीलिए ब्रेक वायर्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता पर आपको फील होता है कि आपका ब्रेक जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए अगर आपका ब्रेक वायर्स में प्रॉब्लम है तो आपको उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और उसके बाद आप अपने ब्रेक शूज को चेक कर लीजिए कि आपका ब्रेक शूज जो है वो ठीक है या नहीं, मतलब वो एकदम परफेक्ट है या फिर वो खत्म हो चुके हैं, अगर खत्म हो चुके हैं तो उसको भी आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो और अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी मतलब सही है, मतलब कोई भी चीज़ रॉन्ग नहीं है, तो आप फाइनल जो एडजस्टमेंट है उसकी तरफ बढ़ सकते हो। यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेंगे जो 3 होल्स मैंने बताए थे, सबसे पहले यहाँ पे जो होल्स रहते हैं माउंट्स पे, तो वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 3 होल्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, तो ये किस लिए है, ये एक्चुअली टेंशन प्रोवाइड करने के लिए है। तो इन होल्स के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये ब्रेक्स काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर की तरफ एक स्प्रिंग दिया जाता है, स्प्रिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर है, और इसका जो इस स्प्रिंग का जो एंड पार्ट है
वो है ये छोटा सा रॉड टाइप का स्ट्रक्चर। तो ये जो रॉड है ये घुसता है उन होल्स पे, उन तीन में से एक होल में ये घुसता है और वो एक प्रेशर प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो ब्रेक्स है, मतलब जो ब्रेक्स के पोर्शंस है, वो अपने रिम्स से दूर जा सके। तो अगर वो दूर नहीं जाएंगे, जब आप अपने लीवर्स को खींचोगे तो वापस से वो टायर्स में आगे लग जाएंगे। तो इसीलिए एक स्प्रिंग जरूरी होता है, एक टेंशन जरूरी होता है ताकि आपका जो ब्रेक्स है वो फिर से अपनी जगह पे वापस जा सके। तो इसीलिए ये एक स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिया जाता है यहाँ पे। और आपको देखना होता है कि कौन से वाले होल्स से आपको ज्यादा फायदा होता है, मतलब कौन से होल में आपको ये पुट करने से ज्यादा आपको टेंशन मिलता है और आपका जो यहाँ पे ब्रेक है वो ज्यादा दूर जाता है। यहाँ पे मैंने तीनों होल्स में घुसा के दिखा दिया है कि कौन से होल्स में मेरा सबसे अच्छा टेंशन हो रहा है। तो मैंने इसलिए बताया कि सबसे पहले होल में, यूजुअली सबसे पहले होल में आपको सबसे अच्छा टेंशन मिलता है। अगर आप अपने लास्ट होल में घुसाते हो तो आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा लूज रहता है। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा है, जितना दूर जाएगा वो उतना अच्छा होगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं इन स्क्रूज के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे एक पावर बैंक्स में दो छोटे छोटे स्क्रूज दिए जाते हैं या फिर दोनों में एक एक स्क्रू दिया जाता है। तो ये किस काम आता है? तो जैसा कि मैंने बताया, जो कि लास्ट वाला जो टेंशन वाला पार्ट है या फिर जो हमारा स्प्रिंग का जो लास्ट पोर्शन है जो कि घुसता है उन छोटे छोटे होल्स में, तो उसी को एक ज्यादा टेंशन प्रोवाइड करने के लिए ये स्क्रू दिया जाता है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर, जब ये स्क्रू हम टाइटन करते हैं तो ये स्प्रिंग्स जो है वो एक जगह पे रहते हैं। अगर ये स्क्रू लूज रहता है तो ये स्प्रिंग को ज्यादा एरिया मिल जाता है उसको टेंशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसीलिए स्क्रूज अगर हम टाइट करते हैं तो स्प्रिंग्स जो है वो छोटे हो जाते हैं, हमारा जो डिस्टेंस होता है टायर्स में से वो ज्यादा हो जाता है। और अगर हम इसको टाइट कर देते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि उसका डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ऐसे ही आपको एडजस्ट करना पड़ता है इनको यूज करके, ताकि आपको पूरा जो ब्रेक सेट है उसको खोलना ना पड़े। तो ये बहुत ज्यादा काम का है। तो अभी आते हैं इनके एडजस्टमेंट पे कि आपको इन स्क्रूज को कैसे एडजस्ट करना है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। तो मैंने सबसे पहले बीच में रखा, मतलब स्क्रूज को ज्यादा टाइट भी नहीं किया, ज्यादा लूज भी नहीं किया। मेरा जो साइकिल का मतलब जो रिम है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रीली घूम रहा था, पर थोड़ा सा जाके ब्रेक्स पे टच हो रहा था। तो मैंने देखा कि मेरा ब्रेक शू जो है वो टेढ़ा है, तो मैंने फिर से एडजस्ट किया, तो उससे कुछ हद तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसको टाइट भी किया तो डिस्टेंस जो है वो थोड़ा बढ़ गया। और कभी कभी डिस्टेंस बढ़ने से, जब आप मतलब दोनों तरफ अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा पास आ जाते हैं। तो ये आपको एडजस्ट करके देखना होगा, दोनों तरफ आप मिडिल में रखो सबसे पहले, और एक आप थोड़ा सा लूज करके देखो कि आपका क्या रिजल्ट आता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे राइट साइड वाला जो है वो मैंने थोड़ा ज्यादा टाइट किया है, और लेफ्ट साइड वाला जो है वो मैंने थोड़ा कम टाइट किया है। तो इसके हिसाब से मेरा यहाँ पे एडजस्टमेंट हो चुका है, पर मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कौन सा परफेक्ट एडजस्टमेंट है। पर आपको टाइट करके और लूज करके देखना होगा कि कहाँ पे आपका परफेक्ट एडजस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि आपके साइकिल में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपका ब्रेक सेट अलग हो सकता है, आपका साइकिल का रिम अलग हो सकता है, या फिर आपका रिंग बेंट हो सकता है। तो यही था मेरा एडजस्टमेंट पूरा। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मैंने पूरी कोशिश की कि जितना भी मुझे पता है और जितना भी मैं बता सकता था मैंने बताया, ताकि आपको पूरा आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल सके कि कैसे आपको इसको एडजस्ट करना है, या फिर कैसे आप इसका सॉल्यूशन ला सकते हो कि आपका ब्रेक जो है वो एकदम फ्रीली मूव कर पाए। तो अगर आपको कुछ भी जानना हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और ऐसे ही आप मुझे आइडियाज़ देते रहो कि कैसे कंटेंट मुझे बनाना चाहिए और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस देखना है, ताकि मैं और भी वीडियोस बना पाऊँ और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होते हैं लाइक ज़रूर दबा देना, उसी के साथ मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर देना और घंटे का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कॉन्टेंट्स और भी देखने हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। तो दिस इज योर बॉय लोन राइडर एस साइनिंग आउट।